धोलेरा की इस स्मार्ट सिटी को डेवलप करने के लिए सबसे पहले जो सबसे चैलेंजिंग टास्क था वो ये था कि इस लो लाइंग एरिया में जो पूरे इलाके में पानी जमा हो जाता है उसको कैसे निकाला जाए, कैसे डीवाटरिंग की जाए इस एरिया की। और आप देख सकते हैं बरसात के टाइम पे, ये जो अभी मानसून का टाइम चल रहा है उस टाइम तो पूरे इलाके में पानी भरा रहता था, लेकिन आप देख सकते हैं आज जो है पूरा इलाका जो है उसमें से ये पानी आप देख सकते हैं खाली हो चुका। उसकी वजह ये है कि जो यहाँ पे ये एक नेचुरल ग्रेडियंट से चलने वाला ये चैनल जो है डेवलप किया गया है, करीब 6.5 किलोमीटर लंबा ये चैनल बनाया गया। एक हरकुलिंग टास्क था ये अपने आप में, करीब 6.5 किलोमीटर लंबा ये चैनल है, 180 मीटर चौड़ा है और करीब 6 मीटर गहरा ये चैनल है। और ये सारा पानी जो है इसको पंप करके और दूसरे जो नेचुरल फ्लोज हैं उसके ज़रिए इस चैनल में लाया जाता है और यहाँ से ये पूरा पानी जो है ये निकल जाता है समुद्र में। और इस तरह से इस चैनल को डेवलप किया गया कि ये भी पूरे साल भरा रहेगा और इसीलिए इसके आसपास आप देख सकते हैं अब लेक फ्रंट डेवलप किया जा रहा है। शहरों का एक्सपांशन होते हुए तो हमने कई बार देखा है, भारत में कई शहरों के एक्सपांशन हो रहे हैं, इवन स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत भी काफ़ी कुछ एडिशन हो रहे हैं, ब्राउन सिटीज़ के तौर पे उनको रिकॉग्नाइज किया जा रहा है। लेकिन पहली बार हम देख रहे हैं कि इतने बड़े पैमाने पर करीब 920 स्क्वायर किलोमीटर में एक ग्रीन स्मार्ट इन्वेस्टमेंट रीजन और सिटी डेवलप किया जा रहा है, जहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा एक एक चीज़, एक एक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, सारी सड़कें वगैरह जो हैं वो पूरा नए सिरे से बन रहा है। और मैं आपको बता दूं इस धोलेरा स्मार्ट सिटी का जो ये पहला फेज़ है 23 स्क्वायर किलोमीटर का, इसमें करीब 90 किलोमीटर से ज़्यादा की सड़कें तैयार हो चुकी हैं। और आपको बता दूं कि प्लानिंग इस लेवल का है कि जो फैसिलिटीज़ यहाँ पर होंगी, जो यूटिलिटीज़ होंगी यहाँ पर, वो इस तरह से डेवलप की जा रही है कि अगले 100 सालों तक किसी प्रकार से कोई नई यूटिलिटी को एडिशन करने के लिए किसी प्रकार की कोई खुदाई नहीं होगी। जीरो डिगिंग के आधार पे ये डेवलप की जा रही है।